हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग के बारे में, कि ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग होता क्या है और इस पर कितने तरह के हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल जो बनते हैं उसमें कौन कौन इसमें कैटेगरी जाती हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में आखिर हम लोग पढ़ते क्या है। देखिए, जो प्रीवियस सेमेस्टर था उसमें थर्ड सेमेस्टर में, जैसे कि अगर डिप्लोमा स्टूडेंट की बात कर ले तो उसमें जनरल सर्वेइंग पढ़े थे, ठीक है। तो वो सर्वेइंग में लेवलिंग करना सीखे थे, लेवलिंग को कैलकुलेट करना, यानी कि लेवलिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ग्राउंड हमारा लेवल में है कि नहीं। उसके लिए दो दो मेथड पढ़े थे, राइज एंड फॉल मेथड और हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो ये दो मेथड के हेल्प से हम लोग क्या किए थे, लेवलिंग को एग्जीक्यूट किए थे। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, थोडोलाइट और आपका डंपी लेवल हो गया, ऑटो लेवल, टिल्ट लेवल, ये सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह उसके लिए यूज किए हुए थे, ठीक है। तो वो हो गया हमारा सिंपल लेवलिंग। वो था क्या सिंपल लेवलिंग में, सिंपल लेवलिंग में था क्या कि आपको हॉरिजेंटल ग्राउंड पे हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा के इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते थे कि हमारा ग्राउंड जो है लेवल में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कितना डिस्टेंस उसको चाहिए, कितना ज़्यादा हमें कटिंग या फिलिंग करना पड़ेगा, तो वो हम लोग RL के मदद से उस वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में, ये एडवांस सर्वेइंग का जो टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि जब ग्राउंड जो है हॉरिजेंटल नहीं हो, हॉरिजेंटल नहीं हो मतलब कि कुछ लेवल पर हो, जैसे जिस पॉइंट का हमें लेवलिंग करना है वो उससे ज़्यादा लेवल पर है, मतलब कि जैसा कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसा कि डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, कि ये डायग्राम ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ये क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, ट्राइपॉड स्टैंड है, इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, और जहाँ का हमें RL चाहिए, जहाँ का लेवलिंग करना हो रहा है वो क्या है, इससे हाइट में ऊंचाई पर है, ठीक है, ऊंचाई पर है। तो इस कंडीशन से जब हम इसकी RL फाइंड करेंगे तो वो मेथड आता है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग में क्या हम फाइंड करते हैं। तो चलते हैं इसके हम लोग केस के ऊपर देखते हैं, कौन कौन से इसमें केस आते हैं जिससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला केस इसके होता है कि जब, इसमें टोटल तीन केस पढ़ेंगे। पहला, जब बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सेसिबल। बेस क्या है, एक्सेसिबल है। इसका मतलब क्या है कि जो बेस है ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का, ये जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका जो बेस पार्ट है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर हम जा सकते हैं। तो ये हो गया बेस ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल वाला पार्ट। दूसरा इसका केस बनेगा जब बेस इसका एक्सेसिबल नहीं है। जैसे इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट का बेस क्या है, एक्सेसिबल नहीं है, इससे ये लेवल पर है। इसी का तीन पार्ट आता है। पहला आ गया, इसका तीन केस बनता है। पहला केस हो गया क्या कि जब दोनों ट्राइपोड सेम लेवल पर हो, पहला केस। दूसरा इसका बनेगा जब दोनों ट्राइपोड सेम लेवल पर नहीं हो, थोड़ा सा डिस्टेंस पर हो। जैसे कि ये देखिए, इस केस की बात कर लें तो दोनों ट्राइपोड, यहाँ भी बेस क्या है, इनएक्सेसिबल ही है, यहाँ भी बेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यहाँ भी ये डिफरेंस में ही है, लेकिन ये दोनों ट्राइपोड क्या है आपका, एक लेवल में नहीं है, अलग अलग लेवल पर है। तो ये जब डिफरेंस माइनर होता है, ये सेकंड केस हो गया। तीसरा केस बनेगा इसका जब इसका डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें आएगा। तो वो तीन केस बनते हैं इसमें। मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ, टोटल तीन केस होते हैं। पहला केस आपका बना है, पहला केस बना बेस जो है ऑब्जेक्ट का, ये आपका एक्सेसिबल है, जैसे कि ये एक्सेसिबल है, यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं इसको, यहाँ जा सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर देखें, इसमें हम बेस में एक्सेसिबल नहीं है, इसका मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। इसमें तीन केस बनता है, ए बी सी, तीन तीन कैटेगरी आता है। और तीसरा जो केस बनता है जिसके बेस हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे अलग केस बनता है। तो टोटल इसमें तीन केसेज आते हैं, जिसमें दूसरा का ऑलरेडी तीन पार्ट होता है। तो आज के क्लास में हम तीन के बारे में डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग बचे हुए पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतना तक क्लियर हुआ होगा। पहला केस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट केस में आपको देखेंगे, फर्स्ट केस में यहाँ पर कि जो बेस ऑब्जेक्ट का बेस है ये एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ से इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में ये पूछेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि आपके पास में दिया हुआ ऐसा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई फेयरली लेवल ग्राउंड है, फेयरली लेवल ग्राउंड है कि एग्जैक्ट लेवल नहीं किया हुआ है, फेयरली लेवल ग्राउंड है, यहाँ पर ट्राइपॉड लगाएं और इसके ऊपर हमने जो इंस्ट्रूमेंट रखा, ठीक है, इसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, और डंपी लेवल या ऑटो लेवल या टिल्ट लेवल जो भी आपने यूज किया हुआ है, तो वो इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, और आपको ये बताना है कि इस पॉइंट क्यू का RL क्या होगा, पॉइंट बी, सॉरी बी है, पॉइंट बी का RL बताइए, जबकि आपको बेंचमार्क का RL पता होगा, ठीक है।
क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पॉइंट बी का आरएल बताना है जब पॉइंट बेंचमार्क का आपका आरएल पता है। क्या करेंगे इसके लिए, बेंचमार्क के आरएल में जोड़ेंगे किसकी वैल्यू। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट, इस हाइट को जो एस हमने लिखा हुआ है, इस हाइट को कहा जाता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये हम लेवल स्टाफ के मदद से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद बचा, इस लेवल स्टाफ में अगर हम जोड़ दें इस एच हाइट को, तो हमें यहाँ का क्या मिल जाएगा, यहाँ का आरएल मिल जाएगा पॉइंट बी का। करेंगे क्या, हमें निकालना है आरएल ऑफ पॉइंट बी। तो इसके लिए क्या करना होगा, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस में जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और प्लस में इसका जो यहाँ पर आपका एच की वैल्यू है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, आरएल ऑफ पॉइंट बी में पहुँच जाएंगे। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब जहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बेंचमार्क का आरएल दिया होगा, एच को कैलकुलेट कर सकते हैं लेवल स्टाफ से। बात है यहाँ पर एच कैलकुलेट करने का, तो एच जो है, एच देखेंगे इस ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल बना है बी ए और क्यू डैश, इस ट्रायंगल में हमें एच की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्या लगा लेंगे, टैन की वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेंगे, यानी कि एच की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें एक ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। टैन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि एच बट्टा में डी। तो टेन अल्फा बराबर यहाँ पर यूज किए हैं, टेन अल्फा बराबर एच बाई डी। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल लिया, तो यहाँ से एच की वैल्यू निकल, एच बराबर डी टेन अल्फा। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे और यहाँ से मिल जाएगा आर एल ऑफ पॉइंट बी का। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड जो इसका टाइप है, इंस्ट्रूमेंट जो है सेम लेवल पर है, इंस्ट्रूमेंट हमारा सेम लेवल पर है, लेकिन पॉइंट क्या है, इनएक्सेसिबल है। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, बेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल। बेस इसका कौन सा है, इनएक्सेसिबल है, और सेम वर्टिकल प्लेन में एलिवेटेड ऑब्जेक्ट पर है ये। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पर एक ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ है, दूसरा ट्राइपॉड हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। इससे बना हुआ एंगल अल्फा वन, इससे बना हुआ एंगल अल्फा टू। हमें यहाँ पे क्या करना है, क्यू का आरएल निकालना है। क्यू का आरएल निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन बेंचमार्क का आरएल हमें पता होगा, इसमें जोड़ेंगे एस को, एस हमें ये पता होगा, एस जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, पी पे, और पी में अगर हम इस पॉइंट पे अगर एच जोड़ देंगे तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ पे, क्यू पे। सिमिलर केस यहाँ भी अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ अप्लाई करेंगे। देखिए आरएल ऑफ क्यू बराबर आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस में एस प्लस में एच की वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर एच निकालेंगे कैसे, उसके लिए यहाँ पर वैल्यू लिखे हुए हैं। यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है क्यू ए और पी, दूसरा बन रहा है क्यू बी और पी। तो क्यू ए पी में हमने अल्फा वन की वैल्यू निकाला, टेन की वैल्यू लगा इसमें एच बराबर डी टेन अल्फा। क्यू बी पी में भी देखिए, क्यू बी पी बड़े वाले ट्रायंगल में जब हमने टेन लगाया तो बनेगा बी प्लस डी एच बट्टा में बी प्लस डी। यहाँ भी टेन थीटा की वैल्यू लगाए तो दोनों ही हमारा क्या हो गया, एच हो गया, दोनों ही एच के बराबर है। इन दोनों को इक्वेट किए, क्योंकि दोनों ही क्या है, एच की वैल्यू है, इक्वेट के, तो यहाँ से हमें मिल गया डी की वैल्यू। जब हमें आरएल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आरएल और बेंचमार्क जोड़ेंगे, ये हमें वैल्यू गिवन होगा। एच जो है लेवल स्टाफ से मेजर करेंगे और एच के जगह पर यूज करेंगे हम लोग क्या, एच बराबर डी टेन अल्फा वन, जहाँ डी की वैल्यू हमको इतना पुट करना होगा। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल बने हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो एडवांस सर्वे में और भी टॉपिक हम लेके आते रहेंगे। तीसरा थर्ड केस की इसकी बात कर ले, मतलब दूसरे केस का दूसरा नंबर पॉइंट पे, तो इसमें यह कहता है कि आपका ई भी एलिवेटेड ही रहेगा, बेस इनएक्सेसिबल है, लेकिन यहाँ पर जो ट्राइपॉड स्टैंड है ये आपका डिफरेंस लेवल पर आएंगे, एक लेवल पर नहीं होगा, डिफरेंस लेवल पर होगा। इस केस में भी क्या करना है, हमको Q का RL चाहिए, यहाँ भी Q का ही RL फाइंड करना होगा। तो Q के RL फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बेंचमार्क यहाँ पर होगा, बेंचमार्क के RL में हमको जोड़ना होगा किसकी वैल्यू, H1 की वैल्यू। पहले हम जोड़ेंगे ये S1 की वैल्यू, S1 के बाद आ जाएंगे कहाँ पे, H1 की वैल्यू में। यहाँ भी हमने सारा कैलकुलेशन कर रखा है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर है कि जो आपका ये H1 और H2, H1 हाइट हो गया आपका ये बड़े वाले ट्रायंगल का, H2 हाइट हो गया ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट हो गया H2। इस H1 में से H2 को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी हाइट मिल जाएगी, यानी जिसको हमने क्या लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है। H1 में से H2 को घटाया हमने तो क्या मिल गया, S मिल गया। अब ये S किसके बराबर है, S की वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, ये जो छोटे वाला हमारा ये ट्राइपॉड है इसकी हाइट को, अगेन इसकी हाइट भी मेजर कर सकते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ लेवल स्टाफ। ठीक है, लेवल स्टाफ के हेल्प से
इसकी वैल्यू भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यहाँ से हमें एस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को हम लिखेंगे क्या, एच वन में से एच टू को घटाया तो हमने एस मिला हमको। अब ये एच वन की वैल्यू भी देखिए, एच वन की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है कि टोटल बड़े वाले हाइट में से छोटे वाले को हाइट को घटाएंगे तो बड़े वाला ट्रायंगल जो होगा बी प्लस डी टेन अल्फा का फॉर्म बनेगा। तो बी प्लस डी टेन अल्फा टू, एच टू की वैल्यू लगाए तो डी टेन अल्फा वन बराबर यहाँ पर एस किए। इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू डी की वैल्यू मिला। अब ये डी की जगह पे देखिए टेन अल्फा को अगेन चेंज किया गया किस में, वन बट्टा कॉट अल्फा, कॉट के साथ में इसको मल्टीप्लाई किए तो एस कॉट अल्फा प्लस बी बना, वन बाई कॉट अल्फा बना। अगेन सबको सॉल्व करने के बाद हमें फाइनली डी की वैल्यू इतनी मिल जाती है। यहाँ पर देखिए हमने निकाल कर रखा हुआ है कि एच वन की वैल्यू क्या होगा, एच टू की वैल्यू क्या होगा। अगेन यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको क्यू का आर एल निकालना है। ये जो क्यू पॉइंट है इसका आर एल निकालना है, क्या करेंगे, आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस में एस की वैल्यू एंड प्लस में यहाँ पर एच वन की वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, आर एल ऑफ क्यू मिल जाएगा। जहाँ पे हमको डी की ज़रूरत पड़ेगा तो डी की जगह पर इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।